HTML हेडिंग, HTML हेडिंग और HTML एच टैग कैन बी डिफाइन एज टाइटल और ए सब टाइटल विच यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर हम लोग टाइटल देना चाहते हैं या फिर कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, कोई इमेजेस लगाए हैं, किसी भी चीज़ का हम लोग टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है HTML हेडिंग, ठीक है, ये एक प्रकार का टाइटल है जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसके लिए। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक के बारे में लिखे हैं उसके बारे में एक शॉर्ट टाइटल होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग हेडिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट टाइटल मतलब क्या होगा कि हम लोग उस टेक्स्ट को, ये भी एक नॉर्मल टेक्स्ट ही है, ये भी एक नॉर्मल टेक्स्ट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा बोल्ड है और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 6 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट HTML हेडिंग्स जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, व्हेन यू प्लेस द टेक्स्ट विद इन द हेडिंग टैग्स H1, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट में हम लोग कोई कंटेंट लिखेंगे और यहाँ H1 को क्लोज करेंगे, इट इज डिस्प्लेस ऑन द ब्राउजर इन द बोल्ड फॉर्मेट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर H1 यूज करें तो H1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, फिर H2 यूज करते हैं तो H2 तो उससे थोड़ा सा छोटा होगा, फिर H3 यूज करेंगे तो H3 थोड़ा सा छोटा होगा। इस प्रकार से 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं हमारे पास, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, देयर आर 6 डिफरेंट HTML हेडिंग्स विच आर डिफरेंट डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स, फ्रॉम हाइएस्ट लेवल H1 मेन हेडिंग टू द लीस्ट लेवल H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप के HTML हेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, H1 जो होगा सबसे बड़ा हेडिंग होगा, मतलब उसका जो साइज रहेगा सबसे बड़ा होगा, और H6 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी पेज में अगर हम लोग लगाते हैं तो सर्च इंजन जो होता है, ठीक है, सर्च इंजन मतलब लाइक गूगल, याहू, बिंग, ठीक है, बायडू, इस टाइप में बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वेब पेज में अगर हम लोग हेडिंग्स यूज करते हैं तो हेडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। ठीक है, मतलब इसको बोलना चाहिए एक टूल है हमारे पास जो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करता है। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना मतलब वो सर्च इंजन क्या करता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स को पकड़ता है उस वेब पेजेस से। जैसे कोई भी मैंने एक वेबसाइट बनाया उसमें बहुत सारे मैंने टेक्स्ट लिख दिया लेकिन कोई भी हेडिंग उसमें मैंने नहीं लगाया, ठीक है, तो उसमें से टेक्स्ट के वर्ड्स को थोड़ी वो खोजेगा, मेन मेन टॉपिक्स को खोजेगा। ठीक है, तो मैंने अगर हेडिंग में यहाँ पे दे दिया, मान के चलो कोई भी एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, वही टॉपिक मैं गूगल में सर्च करता हूँ तो हो सकता है कि वो टॉपिक अगर मैंने हेडिंग में दिया वो टॉपिक वो सर्च करके हमें दिखा दे। ठीक है, तो हेडिंग टैग यूज करने का फायदा यही है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। सर्च इंजन क्या काम करता है, कोई भी हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे गूगल में कुछ भी चीज लिखा मान के चलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया, ये गूगल है, गूगल खुला हुआ, मैंने यहाँ पे यूज किया दुर्ग यूनिवर्सिटी, तो मैंने यहाँ सिर्फ 2 वर्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको URL में भी मिल रहा है और भी इसके अंदर बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट होगा, ऐसा हेडिंग्स दिया होगा जिसके थ्रू वो सर्च कर पा रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू वो सर्च कर पा रहा है, तो ये गूगल में मैंने सर्च किया तो ये हेडिंग को पकड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने हेमचंद यादव ने कहीं ना कहीं तो इसमें हेडिंग यूज किया होगा दुर्ग यूनिवर्सिटी करके, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे दिया होगा, तो ये सारे कीवर्ड्स को क्या करता है वो हेडिंग से मैच करता है, हेडिंग से मैच करके उसको सर्च करके लेके आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग का यूज करके सर्च इंजन को अच्छा खासा ऑप्टिमाइज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग टैग अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं H1, H1 टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे,
हेडिंग लिखेंगे, मतलब जो भी कंटेंट हम लोग को लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर H2 क्लोज होगा, फिर H3 क्लोज होगा, H4 क्लोज होगा, H5 क्लोज होगा, H6 हम लोग लगाएंगे, फिर H6 क्लोज होगा। तो 6 प्रकार के टैग्स अवेलेबल है, और H1 जो होगा सबसे बड़ा होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा H2 होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा H3 होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा H4 होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा H5 होगा, सबसे छोटा होगा H6, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट कुछ हम लोग को इस प्रकार से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो हेडिंग नंबर 1 जो H1 हम लोग डिफाइन किए थे वो था, ये हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, उससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज करूंगा, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे न्यू कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट एक ले लिया है। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा HTML टैग, HTML, ठीक है। HTML को मैंने ओपन किया तो मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, HTML को ओपन किया और क्लोज कर दिया। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको सेव करने का करूंगा। फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा, ठीक है, ये HTML PGD सेव, यहीं पे मैं लिखूंगा हेडिंग टैग डॉट HTML, ठीक है, हेडिंग टैग डॉट HTML से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा HTML, थोड़ा सा स्पेस देके मैं अंदर में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो हम लोग लिख रहे हैं वो HTML टैग के अंदर में लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं हेड लगाऊंगा, ठीक है, हेड, ठीक है, हेड ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। ठीक है, हेड ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इस हेड के बीच में मैं लिखूंगा टाइटल, ठीक है, थोड़ा सा अंदर में लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टाइटल, ठीक है, टाइटल ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। ठीक, तो यहां पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग टैग डेमो, ठीक है, हेडिंग टैग डेमो जो है वो टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा। मैं इसको बार बार सेव करते जाऊंगा, फाइल में जाके सेव, ठीक है, मैं इसको एक बार अभी सेव कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसको हर बार सेव करते जाऊंगा। ठीक है, मेरा हेड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया, टाइटल कैसे दिया हमने, टाइटल टैग के अंदर में दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हेड के बाहर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉडी, ठीक है, लिखेंगे हम लोग बॉडी, बॉडी ओपन हुआ है तो बॉडी क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग हमारे पास 6 टाइप्स की अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले H1, ठीक है, और H1 को मैं क्लोज कर दूंगा, H1, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। वैसे ही यहाँ पे मैंने ओपन किया और क्लोज किया, इसके बीच में यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग नंबर 1, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं 1 के जगह कर दूंगा 2, ठीक है, हेडिंग 2 और H2, ठीक है, तो ये H2 हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा ये H3, ठीक है, और यहाँ H3 हम लोग कर देंगे, फिर उसके बाद H4 हो जाएगा, H4 यहाँ पे भी H4 कर देते हैं, और यहाँ पे भी H,
फोर कर देते हैं, ठीक है, फिर हो जाएगा एच फाइव, एच फाइव यहाँ पे लिख लेते हैं, एच फाइव मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे भी एच फाइव कर, लास्ट हमारे पास हेडिंग टैग है H6, ठीक है, तो H6 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग H6 और यहाँ पे कर देंगे 6, यहाँ पे कर देंगे 6, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया है, कंट्रोल प्लस S से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया है। साइड बाय साइड हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ HTML PGDC और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये हेडिंग टैग नाम का जो हम लोग ने अभी सेव किया है, ठीक है, हेडिंग टैग डॉट HTML, यहाँ पे हम लोग HTML फाइल दिख रही है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो हेडिंग नंबर 1 जो है सबसे बड़ा है और बोल्ड में है, ठीक है, बोल्ड में है और सबसे बड़ा है। हेडिंग नंबर 2 उससे थोड़ा छोटा है, हेडिंग नंबर 3 उससे थोड़ा छोटा है, हेडिंग नंबर 4 थोड़ा छोटा है, हेडिंग नंबर 5 उससे थोड़ा और छोटा है, हेडिंग नंबर 6 सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज किए और हम लोग ने हेडिंग यहाँ पे बना के देखा। ठीक है, सभी लोग अपना माइक को म्यूट कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐप डाउनलोड किए थे HTML क्रिएटर, ठीक है, हम इसमें देखते हैं, काफी पहले यूज किया था, अच्छा, यहाँ से जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ से हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे एक नया हम लोग ले सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लो, ठीक है, तो .html, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले से हम लोग को मिल जाती है, ठीक है, क्लियर करना है क्लियर कर दो पूरा इसको, ठीक है, और यहाँ पे वापस से पूरा टाइप करेंगे, ठीक है, टाइप करना तो आप लोग आता होगा, यहाँ पे टाइप करेंगे HTML, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे खोजना पड़ेगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है साइड में, ठीक है, इसमें शॉर्टकट्स भी दिए होते हैं, शॉर्टकट्स कहाँ से दिए होते हैं, ये रहा, ये HTML करके एक शॉर्टकट भी दिया होता है, अगर लिखने में तकलीफ होगा तो ये वाला ऊपर वाला टैप करेंगे, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर शॉर्टकट दिखेगा, ठीक है, इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है।